कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, एक्वेरियस एसेंडेंट। देखिए, अगर जब भी आप ऐसे वीडियो देखते हैं, बेसिकली समझिएगा आपकी लग्न कुंडली को पहचानिएगा। लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 11 लिखा है तो 11वीं राशि है जो आपका लग्न है और 11वीं राशि कुंभ है। अगर यहाँ लग्न कुंडली में अगर आपका 11 लिखा हो पहले घर में तो ये वीडियो को देखिएगा। नंबर वन, आप लोग ये गलती करते हैं कि आपके कुंडली में जहाँ भी चंद्र लिखा है वह 11 लिखा है तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। ध्यान में रखिएगा, लग्न और चंद्र कुंडली में ये फर्क है। यहाँ 11 लिखा होगा लग्न कुंडली में, हो सकता है यहाँ चंद्र भी हो सकता है, एक्सेप्शन है, कभी कभी होता है ऐसा भी, तो आना नहीं। अदरवाइज लग्न कुंडली में 11 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने का मैंने हेडलाइंस में देखिए दिया है, प्लान योर इन्वेस्टमेंट केयरफुली। आपके इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्लान करिएगा। सितंबर भी महीना आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम है। यू हैव टू, ये टाइम जो है आपसे कुछ गलतियां होने की संभावना है, कोई भी हो सके तो पेंडिंग रखें आपके कंट्रोल में हो तो, और इन्वेस्टमेंट करने का नौबत है तो बहुत केयरफुली करिएगा। देखिए, नवंबर के बाद गुरु भी 12 में चला जाएगा, ऑलरेडी लग्नेश 12 में है, यानी कि ये टाइम जो है अकेले रहने का टाइम है आपके लिए। टोटल ये 2-2.5 साल, कहीं ना कहीं सडनली बहुत बड़े बड़े खर्चे भी आ सकते हैं एक्वेरियस लग्न के लिए। केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना है, आपके साथ धोखाधड़ी की संभावना भी ज़्यादा है। संतान स्थान में राहु है, गुरु से दृष्ट है, भगवान की कृपा है, गुरु से दृष्ट है, मतलब घर का विवाद आपके घर में ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ जाएगा, ये बात कंफर्म है। शुक्र राहु जैसा योग जो आपके संतान स्थान में हुआ है, प्यार के स्थान में हुआ है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फूल जरूर खिलाएगा, यानी कि प्रेम का, लव का। लॉर्ड, देखिए, लॉर्ड ऑफ द लव एंड लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर शुक्र आपके पंचम स्थान में बैठा है, यानी कि अगस्त महीने में आप अगर जो किसी से भी अगर कोई लव का इजहार करना है, प्यार का, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। शुक्र 1 अगस्त से 31 अगस्त में शुक्र आपके पंचम स्थान में है, राहु के साथ है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी राहु के साथ है, बहुत अच्छा चीज आपके लिए मिला है मौका। ये गुरु से दृष्ट भी है, गुरु की सप्तम स्थान पर भी एस्पेक्ट है, यानी कि उसके लिए पर्टिकुलरली देखिए 15 और 29 ये 2 तारीख है जब भी चंद्र शुक्र की या तो आपके लव हाउस में युति हो रही है या तो लव हाउस में अपोजिशन है। जैसे ये चंद्र शुक्र का 15 अगस्त के दिन युति हो रही है आपके लव हाउस में, यानी कि आप ये महीने के लिए इस चीज के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। और 29 अगस्त को चंद्र शुक्र का अपोजिशन, यानी कि 29 अगस्त को गजकेसरी योग भी बना है, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। यानी कि आप किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो 15 और 29 तारीख को ये एडवांटेज या ये रिस्क ले सकते हैं आप। अभी आप और एक चीज को देखिएगा कि ये देखिए, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में ये मैं बोलता ही हूँ, सितंबर तक मैं आपको रिमाइंड करता ही रहूंगा 23 सितंबर तक कि आपके 5th हाउस में राहु है संतान स्थान में। संतान की तरक्की के लिए या तो आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए आपके लिए तो ये भगवान की कृपा है कि ये राहु गुरु से दृष्ट है, आपके सप्तम स्थान को भी देख रहा है। एंगेजमेंट करते हैं तो ज्यादा दिन पेंडिंग नहीं रखिएगा। रिमेंबर, अगर लग्नेश 12 में है, जन्म का हो या ट्रांजिट का, ये ऐसे वक्त में जो भी जो कच्चा काम होता है, यानी कि जो कंफर्म एग्रीमेंट होता है तो राइटिंग में होता है, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि 12वें स्थान के शनि के दौरान अगर आप ऐसा काम करते हैं लग्नेश शनि 12 में, किसी की गारंटी दे देते हैं, फाइनेंशियल या ऑफिशियल गारंटी दे देते हैं, मॉनिटरी गारंटी दे देते हैं, तो आप ट्रबल में आ सकते हैं लग्नेश 12वें में उसकी वजह से। दूसरा, एंगेजमेंट जैसी चीज, देखिए जिन लोगों की एंगेजमेंट टूट जाती उनके देखिएगा लग्नेश 12 में होता है उनकी कुंडली में, यानी कि उन लोगों को कच्चे काम से, कच्चे एग्रीमेंट से हमेशा बचना चाहिए। मैरिज जो एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट, वो एक कच्चा वर्बल प्रॉमिस है, इसके लिए ध्यान में रखें। आपकी एंगेजमेंट कर दी हो तो उसको ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रखिएगा। गुरु की एस्पेक्ट है सप्तम स्थान पर, अविवाहितों के लिए, विवाह के लिए भी एक अच्छे समय से आप पास हो रहे हैं, और ये आपका प्रपोजल के लिए भी बेस्ट दिन रहेगा। थोड़ा सा मैं आइडिया और एक चीज़ का देता हूँ आपको, गजकेसरी योग का। देखिए, गुरु यहाँ है स्काई में, सेजिटेरियस में, ये जो मैप है, ये जो प्लैनेट है, पोजिशन, प्लैनेटरी पोजिशन, मैप ऑफ द स्काई,
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट है। तो ये गुरु आसमान में सेजिटेरियस में है, जब भी चंद्र सेजिटेरियस में होगा, स्पाइसिस में होगा, यानी कि मीन राशि में होगा, मिथुन राशि में होगा या कन्या राशि में होगा, सवा दो दो दिन से चंद्र आगे मूवमेंट करता है। ये स्थानों में जब चंद्र होगा तो गज केसरी योग बनाएगा। गज केसरी योग यानी कि मनी का लिए, पैसे के लिए बहुत इजी पोजीशन होता है। यानी कि देखिए, चंद्र मने बहना या पानी और गुरु मने पैसा, तो मनी फ्लो होता है इस दिन में, मनी फ्लो होता है। आपको सिर्फ देखिए, ये जो गज केसरी योग, ये महीने में 5 गज केसरी योग बन रहे हैं, उसमें से पर्टिकुलरली देखिए 22 अगस्त का जो गज केसरी योग है, ये आपके काम का नहीं है, ये बैड डेज में भी है। चंद्र आपके अष्टम स्थान में, ये गज केसरी योग का आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बाकी मिथुन का गज केसरी योग, धनु का गज केसरी योग और मीन राशि का, ये 3 गज केसरी योग का जो तारीख है, धनु, मीन, मिथुन और ये धनु, ये गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी कि अगर जो आपका बिजनेस है, ज्यादातर देखिए, मैंने स्कॉर्पियंस को फौज में ज्यादातर देखा है, या ये संघर्ष भरा काम, यानी कि बहुत मेहनत का काम, या तो अभी आप कर्मस्थान पर आस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट रहती है डेफिनेटली। मैंने ये वृश्चिक मरो या मारो वाली राशि है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ऐसे लोगों को भी मैंने स्कॉर्पियंस को, ये एक्वेरियस लग्न वालों को देखा है। धनस्थान का ग्रह भी काम करता है, कर्म स्थान का राशि भी काम करता है। और आपके लिए देखिए, जब भी अगर आपका बिजनेस है, तो ये गज केसरी योग के दिन अगर आप पेमेंट के लिए पूछते हैं, तो आप उस दिन पेमेंट लेने में, कलेक्शन लेने में सक्सेस हो जाते हैं। 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त और 29 अगस्त को गज केसरी योग बना है, जो आपके फायदे का है। 22 अगस्त का गज केसरी योग कन्या राशि में बना हुआ है, कन्या और धनु का, यानी कि आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। जो भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, मैं समझता हूँ आपको सितंबर अक्टूबर, अभी देखिए बहुत केयरफुली आपको डिसीजन लेने हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और गुरु 20 नवंबर को आपके 12वें स्थान में चला जाएगा, यानी कि आपके जो पास इन्वेस्टमेंट है उसमें, वो 12वें स्थान में जो आपका लॉर्ड ऑफ द 11th भी 12th में चला जाएगा, यानी कि आपके पास पैसे का शॉर्टेज होने का समय फिर शुरू हो जाएगा। आपके 12वें स्थान में निजमग राजयोग हो जाएगा, लग्नेश 12 में चला जाएगा। जो लोग फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। जॉब बदलने का अभी गड़बड़ नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि देखिए, गुरु जैसा आपका लग्नेश 12 में, ये रॉन्ग डिसीजन दिलवाएगा आपके पास आने वाले 2 साल। यू हैव टू बी केयरफुल टिल 22 जून, 22 जून तक आपको, आपका लग्नेश 12 में है, केयरफुल रहिएगा। राहु जैसा ग्रह आपके पंचम में है, मैंने बोला ऐसा, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बैते जल में नारियल बहाने से आपके संतान का या आपके एजुकेशन के लिए मददगार साबित। विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिएगा, एवरी वेनेसडे को सुनिएगा, हर अमावस को अगर सिस्टमेटिकली बैठ के अगर विष्णु सहस्त्र नाम कर सको तो बेस्ट है, और बाद में नारियल को बहते पानी में बहाइएगा। 19 अगस्त को अमावस है। अभी देखिए, मैंने बैड डेज का तारीख लिखा है, ये इसमें एक ही लॉजिक काम करता है, चंद्र 6, 8 या 12 में हो तभी बैड डेज होता है। डेफिनेटली चंद्र आपका षष्ठेश है, ये 6वें स्थान में होगा तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। षष्ठेश अष्टम में हो और षष्ठेश व्यय में हो तो विपरीत राजयोग जरूर बनाएगा, लेकिन मानसिक तनाव देता है। कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सबसे ज्यादा कोई किसी को बर्दाश्त कर सकता है तो वो एक्वेरियस कर सकता है, कुंभ बर्दाश्त कर सकता है, और कन्या वर्गो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने की हदे पार कर दे, ऐसे ये लग्न है एक्वेरियस एंड वर्गो। पर्टिकुलरली देखिए, आपका सप्तमी 6 में सूर्य जैसा ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए ट्रबलस टाइम है। आपके स्पाउस के पर आपकी ऐसे भी ज्यादा दादागिरी नहीं चलती, आपका स्पाउस रूलर होता है, रूलिंग मतलब ज्यादातर मैं देखता हूँ एक्वेरियस लग्न के लिए, कैप्रिकॉन के लिए शुक्र योग कारक होता है, यानी कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो योग कारक होता है, यानी कि पत्नी, माँ, बेटी, ये आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। यानी कि कहीं भी आप फीमेल से आपको फायदा होता है। मैंने ज्यादातर
कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को विवाह के बाद भाग्योदय होते देखा है अपने से बड़ी जगह पे, यानी कि कभी कभी फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं आपके स्पाउस के परिवार वाले, पति या पत्नी के, फाइनेंस से या मेडिकल से जुड़े हुए लोग होते हैं फाइनेंस, आपके सप्तम सन में सिंह राशि है इसकी वजह से। इन शॉर्ट आपका स्पाउस बहुत आत्मसम्मान प्रिय है और आपका सप्तम है छः में। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपका सप्तमी सप्तम स्थान में आ जाएगा। ये मैरिज लाइफ में ऐसे भी आपके ऊपर स्त्री का राज बोल सकते हो या तो फीमेल रूल नहीं, लेकिन फीमेल से दबा हुआ मैं देखता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने में एक्वेरियस का जवाब नहीं, जीवन में संघर्ष काफी, एक्वेरियस को बहुत मेहनत होता है। कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस बहुत मेहनती है, शनि का शनि प्रधान लग्न बोलते हैं, बहुत मेहनत से आगे बढ़ने वाला लग्न है इसके लिए। और ये बैड डेज के दिन देखिए 2, 3 और 4 अगस्त को 12वां चंद्र है, 2, 3, 4 को आपका मानसिक ज्यादा आपका प्रेशर आएगा, किसी से झगड़ पड़ेंगे, कॉस्ट पैसा बचाने के चक्कर में ज्यादा गंवाना पड़ेगा, कॉस्ट कॉन्शियस होने के चक्कर में, ये मानसिक तनाव से भरा दिन रहेगा। 17 और 18 अगस्त हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, आपके हेल्थ के लिए भी, आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम मैंने बताया 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का। ये 17 और 18 अगस्त के दिन आपका अपना हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिएगा, फीवर या कफ, ये कर्क राशि है, जल राशि है आपके 6वें स्थान में, और वहां चंद्र की वजह से मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है कि केयरफुल रहिएगा उससे। 21 और 22 तारीख को कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, पर्टिकुलरली देखिए 22 को मैंने बोला है गज केसरी योग भी है, मगर ये फायदेमंद नहीं रहेगा, ये आपके लिए मानसिक तनाव का दिन रहेगा 21 और 22 तारीख, मानसिक तनाव का। और 30 और 31 विल बी अगेन एक्सपेंसिव, तो ये दिन को कहीं मार्क करके रखिएगा। अगर आप न्यूली कहीं जॉब पर है या आपका कर्मस्थान डेफिनेटली संघर्षमय होता है, यू हैव टू वर्क मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता है, काम करने में देखिए मैंने ज्यादातर देखा है स्कॉर्पियंस को या स्कॉर्पियो राशि आपके कर्मस्थान में, यानी कि आपका संघर्ष से आपके घर के लोग बहुत एंजॉय कर पाते, बट आपके जीवन का संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ता, लग्न शनि है उसकी वजह से। जीवन भर शनि के मंदिर में आपको जाना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल देखिए शनि आपका व्ययश भी है जिंदगी में, देखिए एक बार एक्वेरियस लग्न को व्यय शनि है, लग्नेश और व्यय शनि एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल ठोकर लगता है एक्वेरियस को, ये फिक्स है। एक्वेरियस को ऑलवेज देखिए संतान जो होते हैं एक्वेरियस के कुंभ लग्न वालों, ये चिंताजनक होते हैं, जो अगर होते हैं तो ये इनके लिए चिंताजनक होते हैं। एक्वेरियस के लिए बच्चों से भी ज्यादा सुख की अपेक्षा नहीं है, हाँ फीमेल चाइल्ड होगा तो बहुत अच्छी बात, एक्वेरियस के लिए मैंने बोला ऐसा माँ बहन या बेटी और वाइफ, माँ बहन बेटी या वाइफ इनसे फायदा होता है। अगर बेटा है तो एक्वेरियस लग्न के लिए कहीं ना कहीं देखिएगा आपके खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा इस बात को कि चिंता का जन निर्माण करवाते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश बुध वो अष्टमेश है, यानी कि संतान और चिंता इसका सीधा कनेक्शन है, ध्यान में रखिएगा, ये उसका लॉजिक है और कुछ नहीं। बाकी बेसिकली देखिए ये मैंने जो बोला आपको बैड डेज को, ये बैड डेज को कहीं मार्क करके रखिएगा, इस दिन को हो सके तो टालिएगा। 15 और 29 अगस्त को प्यार का फायदा ले सकते हैं आपका किसी के साथ, देखिए पंचम स्थान में शुक्र आया, ये महीने भर वीनस आपके लिए 31 अगस्त तक प्रेम के स्थान में रहेगा, शुक्र राहु का योग है, ये आकर्षण योग डेफिनेटली निर्माण करेगा और किसी को प्रपोज करने के लिए 15 और 29 तारीख बेस्ट दिन रहेगा, ये डेट्स ध्यान में रखिएगा। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।